दो मेंढक आराम से दलदल में बैठे हुए थे। अचानक उनका अपहरण हो जाता है। वे खतरनाक रसोइये की बंदी बनकर रसोई में आते हैं। वो पानी उबालता है और एक मेंढक को पानी में डाल देता है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे ही पैर की उंगलियां गर्म पानी से टकराती हैं, वो तुरंत बाहर कूद जाता है। रसोईया बर्तन को दोबारा भरता है, लेकिन इस बार आंच चालू नहीं थी। वो दूसरे मेंढक को अंदर डालता है और इस मेंढक को कोई परेशानी नहीं है। रसोईया गर्मी को बहुत कम कर देता है और पानी का तापमान धीरे धीरे बढ़ जाता है, इतना धीरे कि मेंढक को पता ही नहीं चला। वास्तव में वो गुनगुने पानी में गर्म होता है। जब सतह पर बुलबुले बनने लगते हैं, तभी मेंढक को एहसास होता है कि वो भुन गया है। उसके बारे में मजेदार बात यह है कि यह मेंढकों के लिए वैज्ञानिक रूप से सत्य नहीं है। असल में एक मेंढक को गर्म हो रहे पानी का पता चलेगा और वो सुरक्षित जगह पर कूद जाएगा, लेकिन दूसरी ओर मनुष्य एक अलग कहानी है। हम बर्तन में बैठकर और धीरे धीरे गर्मी बढ़ाकर खुश हैं, जबकि हम इस बात पर जोर देते हैं कि डायल पर हमारा हाथ नहीं है। हम बहस करते हैं कि क्या हम थर्मामीटर पर भरोसा कर सकते हैं और सवाल करते हैं कि क्या वो सही है और महत्व रखते हैं। ऐसा होता है। 1850 के बाद से वैश्विक औसत तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। ये बहुत अधिक नहीं लग सकता, लेकिन ये है। क्यों? 1 डिग्री औसत है। कई जगहें पहले से ही इससे कहीं अधिक गर्म हो चुकी है। आर्कटिक में कुछ स्थान पहले ही 4 डिग्री तक गर्म हो चुके हैं। यदि वैश्विक औसत तापमान 1 डिग्री और बढ़ जाता है, तो आर्कटिक में सबसे ठंडी रातें 10 डिग्री गर्म हो सकती हैं। मुंबई में सबसे गर्म दिन 5 डिग्री अधिक गर्म हो सकते हैं। तो हम यहाँ कैसे पहुंच गए? आधुनिक जीवन को संभव बनाने वाली लगभग हर चीज जीवाश्म ईंधन पर निर्भर करती है। प्राचीन कार्बनिक पदार्थ से कार्बन से भरा कोयला, तेल और गैस। जब हम जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो हमारे वायुमंडल में जमा हो जाता है, जहां ये सैकड़ों या हजारों वर्षों तक रहता है। गर्मी को अंदर तो आने देता है, लेकिन बाहर नहीं। गर्मी सूरज की रोशनी से आती है, जो वायुमंडल से होकर पृथ्वी पर अवशोषित हो जाती है और हर चीज को गर्म कर देती है। गर्म वस्तुएं अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करती हैं, जिसे वापस अंतरिक्ष में चला जाना चाहिए, क्योंकि अधिकांश वायुमंडलीय गैसें इसे सोखती नहीं है। लेकिन ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन अवरक्त तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करती हैं। इसलिए जब हम वायुमंडल में उन गैसों को बढ़ाते हैं, तो कम गर्मी वापस अंतरिक्ष में जा पाती है और हमारा ग्रह गर्म हो जाता है। यदि हम अपनी वर्तमान गति से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते रहे, तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2100 तक तापमान अपने पूर्व औद्योगिक स्तर से 4 डिग्री बढ़ जाएगा। उन्होंने 1.5 डिग्री वार्मिंग की पहचान की है। वैश्विक औसत आज की तुलना में 0.5 डिग्री अधिक गर्म है, जिसके परे जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव तेजी से गंभीर हो जाएंगे। उस सीमा को पार करने से बचने के लिए हमें अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को जितनी जल्दी हो सके शून्य पर लाना होगा, या यूं कहें कि हमें उत्सर्जन को नेट जीरो तक लाना होगा, जिसका अर्थ है कि हम अभी भी कुछ ग्रीन हाउस गैसों को वायुमंडल में डाल रहे हैं, लेकिन हम जितना डालते हैं उतना ही बाहर निकालते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम सारा कार्बन छोड़ और सूख लेंगे। हम प्राकृतिक तरीकों से उत्सर्जन को नियंत्रित नहीं रख सकते, और तकनीकी समाधान अत्यधिक महंगे होंगे और बड़ी मात्रा में स्थायी भंडारण की जरूरत होगी। इसके बजाय जबकि हम कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस से स्वच्छ ऊर्जा और ईंधन पर स्विच करते हैं, जिसमें समय लगेगा, हम वायुमंडल से कार्बन को हटाकर नुकसान को कम कर सकते हैं। लौकिक बर्तन से बाहर कूदना कोई विकल्प नहीं है, लेकिन हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो मेंढक नहीं कर सकते। ऊपर तक पहुंच सकते हैं और गर्मी को कम कर सकते हैं। क्या आप हमारे ग्रह के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और आप जैसे लोगों द्वारा उठाए जा रहे रोमांचक कदमों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? अपनी जिज्ञासा को शांत करने और अपनी उम्मीद को पूरा करने के लिए ed.ted.com/earthschool पर जाएं।